हैदराबाद लेकर चलते हैं। अब्दुल बशीर हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है माधवी लता बीजेपी की उम्मीदवार के साथ। थैंक यू सो मच मैम फॉर स्पीकिंग। सो दिस वाज हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंडिडेट माधवी लता, कैमरा पर्सन दामोदर अब्दुल बशीर हैदराबाद। मैडम चलिए उन्होंने क्या कुछ कहा है उनकी बातचीत दोबारा आपको सुनवाएंगे, लेकिन यहाँ पर अशोक आपको रोकना पड़ा था, बड़ा दिलचस्प है उत्तर प्रदेश की मंदिर का विजिट आपका यहाँ पर हुआ है, क्या महसूस कर रही है आज? आज ऐसा लगता है ये दिन परीक्षा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे सारे हैदराबाद पार्लियामेंट के सारे मतदाताओं के लिए भी है, और उन सारे नन्हे मुन्ने बच्चों का, गरीबों का, स्त्रियों का और बूढ़े बुजुर्गों का तकदीर आज हर मतदाता के हाथ में है। 40 सालों से जिस द्वेष को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी ने देखा है, जिस भड़काऊ में आकर कई लोगों की जिंदगियां खराब हो चुकी है, नौजवाने बेरोजगार में पड़े हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे गरीब में दलदल में हैं, और खास कर स्त्रियों का तो कोई आगे बढ़ने का बात नहीं हुआ आज तक। मजहब के नाम पर बहुत लड़ लिए लोग, आज अमन के नाम पे अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद मेरा उतना खुश नसीब इंसान कोई भी नहीं होगा। मैं बस यही मांगती हूँ मेरे सारे हैदराबाद के मतदाताओं से, इस माँ को एक मौका दे दीजिए, अपने हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को एक सूरज की ओर, एक रोशनी की ओर, एक विकसित भारत की ओर लेके जाने के लिए, बस आज मैं यही मांगूं। मेहनत के बाद आज आप आई है, मंदिर आई है, इमोशनल लग रही है, क्या कहना चाहेंगे जो तेलंगाना के आज लोग वोट करने वाले हैं, आज अपना मतदान करने वाले हैं, राइट को इस्तेमाल करने वाले हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? बस मैं एक ही बात कहूंगी उनसे, राजनीति किसी बाप की जागीर नहीं है, हमको एक मौका इसीलिए दिया जाता है ताकि हम प्रजा को अपना लें, हमको एक मौका इसीलिए दिया जाता है उम्मीदवार के हैसियत पे ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी रहने वाले को अपना लें, अपना बच्चे समझकर उनकी तरक्की के लिए आखिरी सांस तक काम करें। अगर आज मैं मंदिर में हूँ बस इसीलिए ताकि भगवान मजहब के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर हमारे सारे तेलंगाना के प्रजा को के ऊपर ऐसा एक आशीर्वाद दे दे ताकि यहाँ से लोग कभी भी मजहब का नाम लेकर या जात पात का नाम लेकर या स्त्री पुरुष का नाम लेकर सताए नहीं, इस तेलंगाना राज्य को एक विकसित भारत के ओर लेके जाए और शांति अमन को कायम करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मैडम, हमारे चैनल के भी धन्यवाद मैडम बातचीत करने के लिए, चलते हैं। माधवी लता को आप सुन रहे थे, आपको बताते चले चौंकाने वाले इस नाम की घोषणा तब की गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब हैदराबाद में किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। माधवी लता कड़ी और बड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद अमित शाह ने जाकर उनके लिए वहां पर रोड शो किया, प्रचार प्रसार किया, असदुद्दीन ओवैसी इनके सामने हैं और तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बगल में सटा हुआ राज्य है आंध्र प्रदेश का, जहां की 25 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋत्विक मंडल का रुख कर लेते हैं, बहरामपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋत्विक बड़ा दिलचस्प है, एक तरफ यूसुफ पठान दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी दिल्ली में बैठकर दोनों की ही पार्टियां आपस में यहां पर मेल मिलाप करती हैं, मोदी को हराने की बात करती हैं और वहां पर आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही हैं, क्या है वहां का मिजाज? जी बिल्कुल देखिए आज बंगाल के कुल 8 लोकसभा सीटों में मतदान हो रहा है, कुल 75 उम्मीदवार है जिनका भाग्य निर्धारण होगा। मतदान बंगाल में वैसे ही बहुत ही वोटर टर्नआउट रोचक और महत्वपूर्ण रहा है, बहुत जोर शोर से लोग आकर मतदान करते हैं, लेकिन फिलहाल नजर जिस लोकसभा केंद्र पर टिकी हुई है बहरमपुर, जहां से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मेरी मौजूदगी बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी के घर के सामने है, ये जो घर है थोड़ी देर में हमें बताया जा रहा है कि उनके गाड़ी का काफिला जो है तैयार हो चुका है और थोड़ी देर में वो निकलने वाले। देखिए अधीर रंजन चौधरी क्या अब कांग्रेस का जो घर या फिर जो किला, ये बहरमपुर अकेला किला है जो बंगाल का अभी भी बचा हुआ है कांग्रेस के लिए, क्या वो बचा पाएंगे? क्योंकि बहुत ही उनके खिलाफ जो चुनावी मैदान में है वो, जैसे आपने जिक्र किया कि यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस के ये एक कैंडिडेट है जो कि बल्ला उठाकर खेलते हैं, लेकिन ये नया पिच वहां पर कितना वो खेल पाएंगे, अधीर रंजन अधीर गर्भ में वो कितना खेल पाएंगे वो देखने लायक होगा, या फिर बिल्कुल
किस ये महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे तमाम और सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इनसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। आज भाग्य का फैसला होना है तमाम उम्मीदवारों का, कई की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार।